वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? बी ये सेट है और डी ये सेट है। हमने फाइंड बी यू डी करना है, बी यूनियन डी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो फाइंड करना है बी यूनियन और ये डी। तो यहाँ पर हम बी है पहले, तो बी सेट राइट करते हैं। बी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 और 6। फिर हमारे पास यूनियन है तो ये साइन आ जाएगा, और फिर डी है तो डी में हमारे पास ये डी सेट है 7, 8, 9 और 10, इसके एलिमेंट्स आ गए। फिर यूनियन अभी हमने जस्ट राइट किया, पहले बी सेट देन यूनियन साइन देन डी सेट। अब इसमें हमने यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि सीक्वेंस से हमने जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो राइट कर देने हैं, सारे एलिमेंट्स को हमने राइट कर देना है। तो 1 या 2 ना तो इस सेट में हमें मिल रहा है ना तो इधर। फिर 3 है यस इस सेट में तो राइट कर देते हैं, 4 है इस सेट में तो राइट कर देते हैं, उसके बाद 5 इस सेट में और 6 भी इस सेट में है, और फिर 7, 8, 9, 10 यहाँ पर है। और उसके बाद अगर हम देखें 10 के बाद 11, 12 ना तो इस सेट में ना इस सेट में, आगे सो ऑन। तो हम यहाँ तक इसको स्टॉप कर देंगे। ओके, तो आपने सारे एलिमेंट्स इस और इस सेट के तो सारे राइट कर लेने हैं, ठीक है। और अगर रिपीट हो रहे हो, जैसे 5 इधर भी है इधर भी हो, दोनों में मतलब कॉमन हो, इधर भी हो और इधर भी हो 5, तो राइट 1 टाइम ही करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि 5 इधर भी है तो 2 टाइम 5 राइट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो इस तरह से ये यूनियन फाइंड हो गया। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें मैंने यूनियन इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट डिफरेंस सेट्स का फाइंड करना सिखाया है, आप चेक कर सकते हो। आप सोचे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।